13:23 से 13:28:29 के बीच की घटना है। जो मृतक हैं विजय सिंह जी, वो डाक बंगला तक पहुंचे नहीं थे, इंडिया के वो लोग डाक बंगला तब तक नहीं गए थे, डाक बंगला जा रहे थे। उसके जो मृतक हैं और उनके जो दो अन्य साथी हैं वो जाते हुए संपूर्ण स्वस्थ हालत में आपस में बातचीत करते हुए जाते हुए दिख रहे हैं। यात्रा कार्यक्रम या उसकी विधानसभा मार्च की अनुमति नहीं दी गई थी। विधानसभा मार्च के दौरान भाजपा नेता के हत्या मामले में पटना पुलिस ने बड़ा खुलासा कर दिया। दरअसल आपको बता दें कि कल विधानसभा पैदल मार्च भारतीय जनता पार्टी कर रही थी सरकार के नीतियों के खिलाफ, जिसमें भ्रष्टाचार, रोजगार समेत शिक्षक के कई मुद्दे थे। और इसको लेकर जब गांधी मैदान से बड़ी कार्यकर्ताओं की हुजूम विधानसभा की तरफ निकली तो डगबंगला पर प्रोटोकॉल के हिसाब से प्रशासन ने पहले से ही रोकने के बंदोबस्त किए थे और उन्हें वहां पर रोक दिया गया। हालांकि बड़ी संख्या में भीड़ थी और भीड़ जैसे ही उग्र हुई, जिसके बाद पुलिस भीड़ पर काबू पाने के लिए लाठी चार्ज करती है। उस दौरान कई कार्यकर्ता जो है वो बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। और उसी बीच जो बातें, जो चर्चाएं हो रही है कि भाजपा नेता, जहानाबाद के एक नेता जो संगठन में बड़ी जिम्मेदारी के साथ काम कर रहे थे, विजय सिंह की मौत हो गई। और उस मौत के बाद बिहार की राजनीति में सियासी भूचाल मच चुका है। लगातार भारतीय जनता पार्टी सरकार और पुलिस पर आरोप लगा रही है कि नीतीश कुमार जानबूझकर इस तरीके से लाठी चार्ज करवाए ताकि उसमें कार्यकर्ता की मौत हो जाए। और सिर्फ कार्यकर्ता ही नहीं बल्कि पुलिस के निशाने पर बड़े नेता भी थे, वैसे नेता जो बिहार की राजनीति में सक्रिय होते हैं उन पर भी लाठियां जो है वो चलवाई गई। अब देखिए, इस पूरे मामले में पटना पुलिस की तरफ से स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि विजय सिंह की मौत लाठी चार्ज से नहीं बल्कि जो सीसीटीवी फुटेज आए उसमें बेहद ही चौंकाने वाली बात सामने आ रही है। पटना SSP राजीव मिश्रा क्या कुछ कह रहे हैं, पहले उनके बयानों को आप सुनिए। यात्रा कार्यक्रम या उसकी विधानसभा मार्च की अनुमति नहीं दी गई थी। ये जो फर्स्ट फेज में हुआ है उसके बाद जो है इसी बीच में अचानक से एक सूचना मिली कि एक व्यक्ति जो जहानाबाद के रहने वाले हैं, जिनका नाम विजय सिंह है, उनकी मृत्यु PMCH में हो गई है। उस बिंदु पे भी जो है प्राथमिक अनुसंधान किया गया है। अभी तक अनुसंधान के क्रम में जो बात आई है वो ये है कि जो मृतक हैं विजय सिंह जी, वो डाक बंगला तक पहुंचे नहीं थे, उनके साथ जो कर्मी थे उनके द्वारा भी ये बयान दिया गया है कि वो लोग डाक बंगला तब तक नहीं गए थे, डाक बंगला जा रहे थे। इसी बीच में जो है उधर से डाक बंगला की तरफ से ये हुआ कि वहाँ भगदड़ मची है, तो फिर वो लोग डाक बंगला की तरफ नहीं गए। और इस संबंध में वैज्ञानिक साक्ष्य भी संकलित किया गया है। जो गांधी मैदान से छज्जू बाग की तरफ जो रास्ता जाता है वहाँ स्पष्ट CCTV फुटेज मिला है, जिसमें 13:22 पे जो मृतक हैं और उनके जो दो अन्य साथी हैं वो जाते हुए संपूर्ण स्वस्थ हालत में आपस में बातचीत करते हुए जाते हुए दिख रहे हैं। उसके बाद जिस रिक्शे से उनको ले जाया गया है वो रिक्शा भी उस CCTV में 13:27 में दिख रहा है। स्थानीय जो साक्षी हैं, जो प्रत्यक्षदर्शी साक्षी, उनके द्वारा ये बताया गया है कि जिस स्थान पर CCTV में उनको देखा जा रहा है उससे 50 मीटर आगे एक जो है ट्रांसफार्मर लगा है, वहीं उनको गिरे हुए स्थिति में देखा गया। उसके बाद उनके जो साथी लोग थे उसी रिक्शे से उनको हॉस्पिटल ले गए। उस स्थान से हॉस्पिटल, जो जिस हॉस्पिटल में उनको ले जाया गया रिक्शे से, जाने में हम लोग ये प्रेज्यूम कर रहे हैं कि 5 से 6 मिनट का समय लगा होगा। तो ये जो पूरी घटना है वो 13:23 से उनके जो गिरने की घटना है, घायल गिरने की घटना है, अस्वस्थ होकर मूर्छित होकर 13:23 से 13:28:29 के बीच की घटना है। उस संबंध में जो CCTV फुटेज हम लोगों ने देखा, उस फुटेज में ये भी स्पष्ट है कि उसमें न तो कोई पुलिसकर्मी वहाँ दिख रहा है, न किसी प्रकार का कोई भगदड़ वहाँ मची हुई है, सामान्य ट्रैफिक चलते हुए दिख रहा है। तो इस संबंध में, लेकिन फिर भी क्योंकि ये सारी घटना ऐसी परिस्थिति में हुई, हम लोगों ने पूरी पारदर्शिता बरतते हुए, प्रशासन ने, हमने जो है मजिस्ट्रेट से इंक्वेस्ट कराया है, हमने मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया और साथ ही साथ पूरे पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी के लिए भी रिक्वेस्ट किया गया, वीडियोग्राफी में पोस्टमार्टम कराया गया है। तो आपने सुना पटना SSP राजीव मिश्रा को, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि जहानाबाद के BJP नेता विजय सिंह जहां गिरे वहां से 50 मीटर पहले CCTV में सही सलामत दिखे जा रहे हैं। मार्च प्रतिबंधित क्षेत्र में जाने की इजाजत नहीं थी, उपद्रवियों ने कई जगह बैरिकेड तोड़े, पुलिस के पास ऐसे वीडियो हैं। विजय सिंह की शरीर पर बाड़ी चोट का कोई निशान नहीं है। CCTV फुटेज में विजय सिंह अपने साथियों के साथ बातचीत करते नजर भी आ रहे हैं और कई तस्वीर, कई CCTV फुटेज जो है पटना पुलिस के द्वारा जो है मीडिया को दिया गया है, जिसमें स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहा है कि विजय सिंह ई रिक्शा में बैठे।
हालांकि सवाल है कि जिस तरीके से जो पहली तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है वो डगमगा चौराहे के आसपास की तस्वीर है, और यही बड़ी वजह जो भारतीय जनता पार्टी लगातार सरकार से पूछ रही है। और यहां तक कि अब सुशील कुमार मोदी ने यह भी कह दिया कि नीतीश कुमार पर हत्या का मुकदमा भी दर्ज हम लोग करवाएंगे, चूंकि भाजपा नेताओं को टारगेट किया गया और न सिर्फ लाठियां चलाई गई बल्कि उन पर इस तरीके से बर्बरतापूर्वक लाठी चलाई गई जिससे उनकी मौत हो गई है। बहरहाल इस विषय को लेकर आप भी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। अगर आप मेरे वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लें, फॉलो कर लें।